आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की बर्फी बनाने की रेसिपी। इन बेसन की बर्फियों को घर पर बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही इसे बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो आसानी से हमारे घर पर मिल जाती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसे बनाना। बेसन की बर्फी तैयार करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम बेसन। हो सके तो आप इसके लिए पैकेट वाला बेसन यूज़ करें क्योंकि इसमें मिलावट थोड़ी कम होती है। तो सबसे पहले हम इस बेसन को भूनकर तैयार करेंगे। तो बेसन को भूनने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इस कढ़ाई में डालेंगे हम घी। तो मैंने 200 ग्राम बेसन लिया था जिसे भूनने के लिए हम इसमें 150 ग्राम जितना घी डालेंगे। जो भी मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ ये एकदम परफेक्ट है, इसी मेज़रमेंट को आप फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी बर्फी बनकर तैयार होंगी। तो एक बार जब घी अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। तो पूरे बेसन को हम एक साथ इसमें डाल देंगे और गैस के फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और इस घी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे जब हम घी को बेसन में मिलाएंगे जो बेसन है वो पूरे घी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है और बहुत ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से थोड़े ही टाइम में आपको जो बेसन का मिक्सचर है वो काफ़ी सूखा सूखा और काफ़ी टाइट लगने लगेगा। बट टेंशन ना लें, आपको इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इसे इसी तरीके से चलाते हुए धीमी धीमी आँच पर भूनते रहें। कुछ ही टाइम बाद जब बेसन हल्का गर्म होने लगेगा उसके बाद ये घी को एकदम अलग सेपरेट करने लगेगा और मिक्सचर हल्का हल्का लूज़ हो जाएगा। तो बस इस तरीके से इसे चलाते रहें और धीमी धीमी आंच पर बेसन को भुनने देंगे। बिल्कुल भी तेज आंच पर आपको इसे नहीं भूनना है। तो बस बेसन को यहाँ पर भुनने देते हैं। तब तक हम दूसरी गैस पर इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक बर्तन में मैं डालूंगी 150 ग्राम जितनी चीनी। इसका मेज़रमेंट बहुत ही सिंपल है, 150 ग्राम घी लिया था तो 150 ग्राम जितनी ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप जितना पानी। सादा पानी आपको नहीं डालना है, अदरवाइज़ चाशनी को पकाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी हम इस चीनी को पानी में मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से घुल ना जाए। एक बार जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी तब आपको इसे लगातार चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी तरीके से इस चाशनी को पकने देंगे। हमें इसके लिए दो तार की चाशनी बनानी है जिसे बनने में कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चाशनी को पकने देंगे। इस चाशनी में अच्छे फ्लेवर और खुशबू के लिए हम इसमें थोड़ी सी केसर डालेंगे। केसर से इसमें कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा और साथ ही खुशबू भी आएगी। आपको इसमें किसी भी एक्स्ट्रा फूड कलर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसे मिक्स कर देंगे एक बार अच्छे से। और अब हम इस चाशनी को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आँच पर पकने देंगे। हमें इसके लिए दो तार की चाशनी बनानी है। तो आप इसे बीच बीच में हल्का हल्का चलाते रहें। तब तक हम अपने बेसन के मिक्सर को देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बेसन का मिक्सर हल्का गर्म हो गया है और भुनना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये घी को एकदम अलग सेपरेट करने लगा है और मिक्सर हल्का हल्का लूज़ हो गया है। तो बस इसी तरीके से इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बेसन को भुनने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं क्योंकि बेसन धीमी धीमी आँच पर भुनता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ बेसन भुन रहा है, तब तक हम चाशनी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी को भी पकते हुए पूरे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट लग रही है। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप चाशनी को हल्का सा उंगलियों पर ले लें, याद रखें थोड़ी ठंडी चाशनी ही लें। और अब हम चाशनी में इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको एक तार जैसा दिखेगा। चाशनी गर्म है, अभी इसमें एक तार दिख रहा है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी आपको इसमें दो तार दिखने लगेंगे। तो हमारी दो तार की एकदम परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। और ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ जो बेसन का मिक्सर है वो भी अच्छे से भुन चुका है। इस बेसन को भूनते हुए मुझे पूरे 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में मिक्सर कितना ज़्यादा पतला लग रहा है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है और इसमें अच्छे भुनने की खुशबू आ रही है। बट अगर आपको ऐसे समझ ना आए कि बेसन भुना है या नहीं तो आप सिंपली थोड़ा सा बेसन लेकर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको टेस्ट करते समय इस बेसन में कच्चेपन जैसी स्मेल आ रही है तो आप इस बेसन को कुछ टाइम के लिए और भून लीजिए। बट याद रखें तेज आंच पर कभी भी ना भूनें, इससे सिर्फ कलर चेंज होगा, बेसन बिल्कुल नहीं भुनेगा। तो यहाँ हमारा बेसन तो अच्छे से भुन चुका है और ज़्यादा इस बेसन को भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब हम बेसन को भूनना बंद कर देंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक चुटकी जितना ये हल्दी का पाउडर। हल्दी के पाउडर से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा, किसी भी आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। और ये भी टेंशन ना लें आपको कि हल्दी का कड़वापन आएगा इसमें, क्योंकि हमने बहुत थोड़ी हल्दी डाली है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी।
तो बस हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी तक मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को एकदम धीमा ही रखा है, तो सबसे लास्ट में अब हम यहाँ पर डालेंगे हम 150 ग्राम जितना मावा। आप मावा चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। मावा आप इजीली अपने घर पर बना सकती हैं। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे ईजीली घर पर बना सकती हैं। तो अब हम इस मावा को भी धीमी धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मावा जब भुनता है तो धीमे धीमे बेसन का जो मिक्सर है वो वापस से हल्का टाइट हो जाता है, तो बस इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए भूनें। मावा को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट इसे धीमी धीमी आंच पर इसी तरीके से चलाते रहें। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा मावा इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है और अच्छे से भुन भी गया है। तो बस और ज़्यादा इस मावा के मिक्सर को हमें भूनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मिक्सर हमारा एकदम परफेक्ट है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सबसे लास्ट में इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे बना सकती हैं। तो हमारा बेसन का मिक्सर तैयार हो चुका है। तो अभी हमने जो चाशनी बनाकर रखी हुई थी उस चाशनी को भी मैंने हल्का गर्म कर लिया है। याद रखें एकदम ठंडी चाशनी आपको इसमें नहीं डालनी है। तो अब हम इस हल्की गर्म चाशनी को जल्दी से इस बेसन के मिक्सर में डाल देंगे और इस प्रोसेस को आपको बहुत ही झटपट करना है क्योंकि इसमें जाने के बाद चाशनी जल्दी से ठंडी होने लगेगी। तो अब हम इस बेसन और चाशनी को जल्दी से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही हम बेसन में चाशनी को डालेंगे मिक्सर हमें हल्का हल्का लूज़ लगने लगेगा, पर जैसे जैसे आप इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे धीमे धीमे मिक्सर जो है वो हल्का हल्का टाइट लगने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो इसे 1 मिनट के लिए आप इस तरीके से मिला लें। जब मिक्सर आपको इस तरीके का दिखने लगे और ये कढ़ाई से चिपकना बंद हो जाए उस टाइम पर हम इस मिक्सर को जल्दी से एक अलग कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें मैंने पहले से ही फॉइल पेपर लगा कर रखी हुई है और जिस पर थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पूरे मिक्सर को इस कंटेनर में अच्छे से फैला देंगे। तो जितना भी मोटे आपको अपनी बर्फियाँ रखनी है उतना मोटा मोटा आप इसे इस तरीके से इवनली फैला दें। मैं इसे स्पून की सहायता से कर रही हूँ जिससे ये ईजिली हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं स्पून के ऊपर। तो पूरा इसे अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जिसमें मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं। इसी के साथ हम इस पर डालेंगे थोड़े से पिस्ता। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर सजाना चाहते हैं वो आप सजा सकते हैं, चाहें तो आप इसके ऊपर सिल्वर पेपर भी लगा सकती हैं। तो अब हम इसे हल्का हल्का इस तरीके से दबा देंगे जिससे ड्राई फ्रूट्स कट करते समय एकदम ऊपर निकले ना। अब हम इस बेसन की बर्फियों को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि बेसन को ठंडा होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पूरे 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे में मेरी बर्फियाँ जो हैं वो अच्छे से सेट हो गई हैं। तो अब हम इन बर्फियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से लंबा लंबा कट करेंगे। याद रखें ज़्यादा दूरी पर कट ना लगाएं क्योंकि छोटी छोटी बर्फियाँ जो हैं वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा चौकोर या लंबा जैसा भी आप इसे कट करना चाहते हैं वैसा कट कर सकते हैं। पूरी बर्फियों में कट लगाने के बाद हम इन पूरी बर्फियों को इस कंटेनर में से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, जिससे हमें इन बर्फियों को निकालने में आसानी रहे। तो एक बार वापस से मैं चाकू की सहायता से इसमें कट लगा दूंगी क्योंकि कंटेनर में थोड़े अच्छे से कट नहीं लग पाते हैं तो बर्फियां नीचे चिपकी रह जाती हैं। तो एक बार वापस से हल्का हल्का इस तरीके से कट लगा लेंगे और अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड कितनी परफेक्ट हमारी बेसन की बर्फी तैयार हुई हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में। और जितनी ये देखने में अच्छी हैं उतना ही इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमने इसमें जो मीठा डाला है और जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे खाएंगे तो ये खाते समय दांतों से चिपकेगी। बहुत ही परफेक्ट हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई हैं। तो इस रक्षाबंधन या किसी भी त्यौहार पर आप इन बर्फियों को बनाइए। अदरवाइज़ जब भी आपका हल्का फुल्का मीठा खाने का मन करे तो इसे बना कर रखें। यकीन माने आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। तो एक बार फिर से मिलते हैं इसी तरीके की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।